हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ लेकर आया हूँ। काफ़ी सारे टीचरों से मिलने के बाद मैं उनका एक निचोड़ निकाल कर लाया हूँ कि टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर से पूछे जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो KVS का हो, चाहे NVS का हो, या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल का हो। तो अब जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप इन 10 क्वेश्चंस को पहले से प्रिपेयर करके जरूर जाएं, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। तो नंबर 1 इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें कम से कम हमको 30 सेकंड से 1 मिनट तक हमको प्रिपेयर करके जाना है, और जिसमें हमारा जो होम हो गया, हमारा नेम हो गया, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसको हमको एक्सप्लेन करना है। ओके, और नंबर 2, हमारा योर फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड से उनका मतलब ये होता है कि इंटरव्यू जानना चाहता है कि अगर आप एजुकेशनल या फिर टीचिंग फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो वो आपको काफ़ी प्रेफरेंस देंगे इस मामले में। ओके, नाउ द नेक्स्ट हॉबी क्वेश्चन इज योर हॉबीज। दे विल आस्क यू अबाउट योर हॉबीज, बिकॉज एक ही काम को करना जरूरी नहीं होता है, आपकी कुछ हॉबीज भी होनी चाहिए, और वो उसके बारे में जरूर आपसे पूछेंगे ही। और नेक्स्ट होगा आपका योर स्पेशलाइजेशन। इसके लिए आप ज़रूर पढ़ के जाइए, अच्छे से तैयार करके जाइए कि जिस गेम से भी आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको अच्छी से नॉलेज होना चाहिए, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा अदर स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पेशलाइजेशन के अलावा वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप और कौन कौन सी गेम्स और कौन कौन सी फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं। तो इसके लिए भी आप तैयार करके जाइए, कम से कम 5-6 स्पोर्ट्स आपके पास होना चाहिए जिनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो, तो प्लीज़ इसको छोड़ना नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिलअप कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एक रैंडमली लिखा आ रहा है जो बहुत लोग देते आ रहे हैं, आप भी उसी को कॉपी करें, वैसा नहीं करना है। जो भी आपका हो आप उसको अपने हिसाब से अपना आंसर लिखेंगे तो आप ज़रूर अच्छे से बेटर तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट विल बी योर एक्सपीरियंस। तो अगर आपने कहीं भी कोई इंटर्नशिप या फिर कहीं भी जॉब किया हो 4-6 महीने के लिए भी, तो आप उसको भी मेंशन कीजिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट विल बी व्हाई डू यू वांट टू जॉइन, लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन KVS, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन NVS, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अवर इंस्टीट्यूट, अवर स्कूल, वट एवर इट इज़। सो यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर दैट ऑल्सो, बिकॉज वेयर यू आर गोइंग टू जॉइन यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट फील्ड ऑल्सो। Like if you're going for KVS, then you must know how KVS works. You should know about the KVS and why you are going to join the KVS. Okay? Or maybe if you are going for NVS, it will be the same also. You should know about the NVS. That's why. And next will be, why should we select you? Why should we select you? Are you getting my point? Why should we select you? That means, कि आपने ऐसी क्या खूबी है जिससे कि हम आपको select करें? तो आपको बताना है कि सर, मैं डिसिप्लिन हूँ, पंक्चुअल हूँ, मैं अपने काम को अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, या फिर जो भी आपका आंसर आप अपने तरीके से देना चाहते हैं उसको आप दीजिए फ्रेंड्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि हाउ विल यू एंगेज गर्ल्स स्टूडेंट्स इन द स्पोर्ट्स, कि आप जो स्कूल की जो गर्ल्स होती हैं आप उनको स्पोर्ट्स में कैसे एंगेज करेंगे, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर स्कूल में क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो हर तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करती है मैक्सिमम, क्योंकि वो गर्मी धूप वगैरह से बचने के लिए वो ग्राउंड पर उतरना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे उनको इंगेज करेंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ में? तो आई होप फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर पाई होगी, और आप कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को आप खुद आंसर इनके लिए आप आंसर प्रिपेयर करके जाएं। और आपको अगर आगे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना कर दिखाऊँ। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।